जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि हम हाल ही में आए व्यापम की ओर से एक वैकेंसी आई हुई है, लेबर इंस्पेक्टर अर्थात श्रम निरीक्षक की, श्रम निरीक्षक श्रम उप निरीक्षक की एक वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इस पर जानेंगे कि हम घर बैठे मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे डिटेल से आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा मैं अपना ही, और बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है और कितने KB में कितने MB में उसको फिल करना है, फोटोज़ और सिग्नेचर वगैरह है वो। तो कंटिन्यू बने रहिए और दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसको फिल करते हैं और इसके कितने कितने वैकेंसीज आई हुई है, थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। तो देखिए डिटेल में थोड़े से जान लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे कि क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखिए पहला में जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहला देखिए सहायक श्रम पदाधिकारी, ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। ठीक है, अब दूसरा में देखिए क्या बोले, श्रम निरीक्षक है दूसरा, तो अनारक्षित में टोटल 6 पद हैं और अनुसूचित जाति में 1 पद, अनुसूचित जनजाति में 4 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग जो अब युवा बोलते हैं उसमें 1 पद है। ठीक है, और अनारक्षित एक में 1 पद अलग से और है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में देखिए श्रम उप निरीक्षक है जिसमें 6 पद जो है वो अनारक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद और अनारक्षित 1 पद है। ठीक है, और अगर की देखना चाहे तो इसका देखिएगा और क्या दिया है, और थोड़ा सा डाल लेते हैं फिर फॉर्म को फिल करेंगे जल्दी से। एक थोड़ा सा ये देख लीजिए शैक्षिक योग्यता, दूसरा में जो दिया है वो शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। सहायक पदाधिकारी श्रम पदाधिकारी 21 वर्ष नॉर्मल है, ठीक है, और इसका शैक्षिक अर्हता क्या दिया हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और दूसरा तीसरा में भी यही कहा गया है कि सेम है और किसी प्रकार की नहीं है, देख लीजिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया को हम पूरे अलग वीडियोस में देखेंगे, वीडियोस लंबा हो जाएगा इसलिए। चलिए अब फटाक से हम लोग फॉर्म को फिल करते हैं कि क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी और एक किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करनी है। अगर वीडियोस में नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। सर्वप्रथम हम गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे CG व्यापम, जिससे उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और फर्स्ट में जो लिखा है देखिए cgvyapam.chhattisgarh.gov.in, तो इस पर हम टच करेंगे, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। खुलने में थोड़ी सी देरी लेंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग एक साथ इसमें सर्च मारते हैं तो थोड़ा सा बफरिंग लेता है। तो ये अपना व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फॉर्म एप्लीकेशन फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन को टच करेंगे और ये सब आपको मोबाइल से ही भरने, किसी अन्य प्रकार से चॉइस सेंटर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ये वेबसाइट खुल चुका है, देखिए ऑनलाइन, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला वेबसाइट खुला हम लोग का। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जिस वैकेंसीज में हमको डालना है सबसे पहले उनको देखेंगे। तो देखिए ये अपना जिसमें हमको डालना है ये वैकेंसीज है, देखिए कार्यालय श्रमयुक्त छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक भर्ती हेतु न्यू नोटिफिकेशन है उसको जाएंगे, तो इसको हमको टच करना है। ठीक है, देखिए थोड़े से लोडिंग लेगा उसके बाद जल्दी ही खुल जाएगा ये, और ये सब आप बिल्कुल मोबाइल से ही कर सकते हैं, अलग से आपको चॉइस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए वेबसाइट खुल चुका है और ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और इसमें आपको ये देखिए 9वां नंबर पर क्या दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। ठीक है, तो इसको आपको टच करना है फिल करने के लिए। ओके, और वेबसाइट खुल चुका है, इसको क्या कहा गया है ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहा गया है, व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन पत्र भरने पूर्व व्यापम में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, अतः जो आवेदक पंजीकृत नहीं है वे पहले अपना पंजीयन करें, केवल पंजीकृत आवेदन ही व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अर्थात हमको सर्वप्रथम पहले पंजीयन करना पड़ेगा अपना। न्यू रजिस्ट्रेशन जो दिया है इसमें सर्वप्रथम हमको क्लिक करना है क्योंकि हम न्यू रजिस्टर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हम डालेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इसमें जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है, सर्वप्रथम ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया, उसके पश्चात ये दिया है फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे। आप जिनका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उनका नाम सबसे पहला डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है मिडिल नेम। अगर आप मिडिल नेम अर्थात जैसे कि देखिए किसी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए शशि है, तो शशि कुमारी जो भी इसका सरनेम है निर्मलकर वो आएगा। अगर आप मिडिल नेम अर्थात कुमारी नहीं लिखते हो और लास्ट नेम अर्थात अपना आपका सरनेम जैसे कि निर्मलकर है, निर्गम नहीं लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए। लास्ट नेम अगर कि आप नहीं लिखते हो तो इसको भी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, अब आता है गेट OTP। तो गेट OTP पे हम लोग सर्वप्रथम जाते हैं, तो सर्वप्रथम इसका OTP आएगा। चलिए सर्वप्रथम हमारा OTP आ चुका है, तो हम OTP एंटर करेंगे।
तो हमारा OTP हो चुका है, अब हम सबमिट करेंगे सर्वप्रथम। चलिए उसके पश्चात इस प्रकार का हमारा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर्वप्रथम इसमें पासवर्ड इंटर करेंगे। आप किसी भी प्रकार की स्ट्रांग पासवर्ड डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ जैसे किसी का भी नाम डाल सकते हो, उसके बाद कोई भी अंक डाल सकते हो, उसके बाद लास्ट में एड्रेस डाल देना और सेम जो डाले वही इसमें भी डालना। इस प्रकार से सब सर्वप्रथम आपका पासवर्ड खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पासवर्ड हो गया, उसके बाद देखिए उम्मीदवार का नाम दिया हुआ है। उम्मीदवार के नाम के बाद देखिए ये नाम हो गया सेलेक्ट रिश्तेदार, अर्थात पिताजी हो गए, पिताजी का नाम डाल सकते हो, जैसे इसमें दिया है फादर। ठीक है, तो हम फादर का नाम एंटर करेंगे और देखिए रिश्तेदार का नाम दिया, इसमें फादर का नाम लिखेंगे सर्वप्रथम। ठीक है, ठीक है, पिताजी का नाम डाल दिया हम सर्वप्रथम, उसके बाद मदर्स नेम बोला है। ठीक है, तो माताजी का नाम डालते हैं। ठीक है, जैसे नाम डाल दिए, अगर कि माताजी में बाई लिखा था तो बिल्कुल बाई लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जेंडर पूछेगा, तो आप जेंडर डाल दीजिए, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, तो इसमें फीमेल का डाल रहा हूँ मैं, तो फीमेल डालूंगा। ठीक है, अब इसका पूछा है डेट ऑफ बर्थ, तो इसका डेट ऑफ बर्थ का भाई वो डाल देते हैं। ठीक है, 13/09/1997। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। अब देखिए डोमेंशियल ऑफ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के निवासी में अगर हो तो यस करिएगा, नहीं होंगे तो नो करिएगा। वैसे छत्तीसगढ़ निवासी में यस करिएगा। परिवार की वार्षिक आय देखिए, किसी भी नॉर्मल फैमिली के लिए परिवार की वार्षिक आय अभी के डेट में 60,000 नॉर्मल मान किए हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने, इस बात को ध्यान देने कि फ़ोटो अपलोड के लिए देखिए क्या क्राइटेरिया बताया गया है। फ़ोटो जो आप लोग अपलोड करेंगे उसका क्राइटेरिया ये दिया गया। देखिए इमेज साइज अलाउड 40-60 KB में ही आपको अपलोड किया जाएगा, इससे कम या ज़्यादा में नहीं लिया जाएगा। 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सर्वप्रथम फ़ोटो अपलोड करते हैं। ठीक है, सर फोटो में चूज़ करते हैं और परमिशन मांग रहे हैं हम लोग के में। चलिए फ़ोटो के बाद अब सिग्नेचर को अपलोड करते हैं हम लोग। चलिए ये रहा सिग्नेचर। अब इसको जो दिया हुआ है अपलोड की जो देखिए साइन दिया हुआ है ना, उस पर आपको अपलोड पर टच करना है, क्लिक करके दोनों को, पहले ऊपर का कीजिएगा फिर नीचे का। तो सबसे पहले हम ऊपर का अपलोड करते हैं। देखिए अपलोड करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, जो जो आप पासवर्ड जो भी डाले हो वो, और उसके बाद देखिए ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है और अब बारी है सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर का बचा हुआ है, तो सर्वप्रथम हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो ये अपलोड होने में थोड़े से टाइम लेंगे। चलिए अब हमारा देख लेते हैं एक बार, ये फ़ोटो अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। एक क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, देखिए क्या अब दिव्यांग है, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर डाल टच कीजिएगा। तो थोड़े से अपलोड होने में टाइम लगेगा। और उसके बाद देखिए सामान्य जानकारी बोला गया। ठीक है, नेशनलिटी अर्थात नागरिकता इंडिया का होना, तो इंडिया डाल दीजिएगा। कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी से, ST, SC, OBC, जनरल, तो देखिए हम लोग OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर हम लोग डाल देंगे। उसके बाद स्थानीय निवासी जिला जो बोला गया है वो, तो जिला में जो आपका जिला है वो डाल दीजिए। जैसे कोरबा के हम जिनका डाल रहे हैं वो है, तो हमें कोरबा का डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कोरबा जिला। ठीक है, वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है कि मैरिड हो कि अनमैरिड, तो अनमैरिड होगा। अब पूछेगा कि ईमेल आईडी क्या है, तो आप सर्वप्रथम इसका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो भी ईमेल आईडी जो आप दिए होंगे उनको। ठीक है, चलिए हम लोग सर्वप्रथम ईमेल आईडी डाल चुके हैं। उसके बाद देखिए प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, हाउस नंबर पूछा गया इसमें, तो आपका जो हाउस नंबर है वो एंटर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग हाउस नंबर एंटर कर चुके हैं। उसके बाद स्ट्रीट पूछ रहा है, स्ट्रीट पर था जहां आप निवास कर रहे हो उनका। ठीक है, तो उनको फिल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीट हम लोग कर चुके हैं और शहर या गांव का नाम जो दिया है वो एंटर कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आता है वो क्या है, स्टेट बोला है। ठीक है, कि कौन से स्टेट से आप, छत्तीसगढ़ हो छत्तीसगढ़ डालिएगा, छत्तीसगढ़ ये हम लोग का हो गया। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, तो उनको डालना है। ठीक है, जैसे हम कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो कोरबा डालेंगे हम लोग, ये हमारा कोरबा हो गया। उसके बाद पिन कोड पूछा गया है, तो आपका जो नियर बाय जो शहर का पिन कोड है वो आप पिन कोड एंटर करेंगे। जैसे हमारा है 495449। ठीक है, तो हम लोग पिन कोड एंटर कर चुके हैं। अब एक पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया, एक लास्ट पूछा गया। देखिए
एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मतलब ऐसा कि जो आप एड्रेस डाले हो अभी भी क्या आप वहीं रहते हो, ठीक है। अगर आप कहाँ रहेगा तो इसमें टिक मारिएगा, ठीक है। इसमें टिक मारोगे तो पूरे पूरे इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर हो जाएगा। देखिए जो मैं ऊपर में एड्रेस डाला हूँ वो सब इसमें एंटर हो चुका है। उसके बाद लास्ट पूछा गया है अपने घोषणा पत्र, इसमें बोला गया है कि आप जो जो आप फॉर्म फिल किए हो, जो जो डिटेल जो डाले हैं वो सब आपके द्वारा डाला गया है और आप सही डाले हुए। उसके बाद लास्ट में कैप्चर डालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इसमें जो कैप्चर दिया हुआ है ये देखिए, ये जो कैप्चर उसको फिल करने के लिए बोला जाएगा इसमें। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देते हैं। देखिए हमारा सबमिट फिलहाल के लिए हो चुका है, ठीक है। देखिए नाम जिनका कैंडिडेट का नाम वो दिया है, एक बार देख लीजिएगा इसको ऐसा का स्टाफ का नाम कौन सा दिया है, मोबाइल नंबर क्या क्या है, ये सब डिटेल आपको फिल कर देना है। उसके बाद क्या क्या है, प्रिंट करना है इसको आपको। प्रिंट आउट मतलब ये कि आपका जो डिटेल है ना उसको प्रिंट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़रूरी है कि किस प्रकार से आप इसको प्रिंट करके रखते हो। सेव कर लिया गया हमारा। तो ये सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी पूर्णता आपका जो आपका फॉर्म पूर्णता फिलअप नहीं हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्म को अभी तक कि हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही फिल कर रहे थे, पूरे डिटेल डाले थे। अब हम जिस पोस्ट में हमको वैकेंसीज पे हमको डालना है, जिस पोस्ट के लिए डालना है उसको अब फिल करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो सर्वप्रथम व्यापक वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे। तो ये इसका ऑफिशियल पेज खुल गया है इस प्रकार का, और ये थोड़े से लोड लेते हैं, क्योंकि लोड लेने की वजह यह होती है कि बहुत सारे लोग एक साथ जब लॉगिन करते हैं तो थोड़े से लोड हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे हम लोग सर्वप्रथम, और थोड़े से लोड लेने के बाद ये भी इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। और सर्वप्रथम हमको क्या करना है, जिसमें हमको फॉर्म फिल करना है, जैसे देखिए सहायक श्रम पदाधिकारी वाली बात ना, तो इस पर टच करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग का इंटरफेस खुल जाएगा। और जैसे जैसे हम लोगों ने पहले जो स्टेप अपनाए थे उसी प्रकार के अपनाएंगे। ये देखिए आठवां जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करके दिया है उसमें जाएंगे सर्वप्रथम, इसको टच करिए, ठीक है। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि हमने पहले क्या किए थे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे किए थे, ठीक है। अब हम लोग का रजिस्ट्रेशन पूर्णता हो चुका है, तो हम लोग सिर्फ अपना ये देखिए इसमें अपना मोबाइल नंबर और ये लॉगिन पासवर्ड करना है उसमें सिर्फ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं, जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हम सबसे पहले एंटर करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर में आपका नंबर दिया है वो, और दो ऑप्शन दिया है, या तो आपको OTP चाहिए या आपको पासवर्ड के साथ आपको जो पासवर्ड आप डाले हैं उसको लॉगिन करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलेगा और हम इसमें पासवर्ड डालेंगे, तो पासवर्ड अलग से डालेंगे, जो हम लोग का पासवर्ड रहेगा, जो प्रीवियस में ना पासवर्ड डाले उसको डालना है। और ये देखिए ये कैप्चर दिया है उसको आपको डालना पड़ेगा कैप्चर को, तो सर्वप्रथम ये आएगा। देखिए जब आप लॉगिन कर दोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, और देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए वेलकम शशि जो जिसके नाम से हम लोग रजिस्ट्रेशन किए थे उनका नाम शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, देखिए देखिए इसमें प्रोफाइल में दिया हुआ है, जो आपको जिसमें आपको अप्लाई करना है उसको आपको सर्वप्रथम ओपन करना है। जैसे हमको देखिए असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, तो इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई में हम लोग जाएंगे, तो अप्लाई में आने के बाद इस प्रकार से एक नया इंटरफेस हम लोग का खुल जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो इसको आपको फिल करना है सर्वप्रथम। देखिए सर्वप्रथम इसमें बोला क्या गया है, ये आपके चयन करना है। ये देखिए तीन आपकी जो वैकेंसीज है वो पद का नाम असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर करके दिया हुआ है, ठीक है। सब लेबर इंस्पेक्टर में दिया हुआ है ये वाला। तो आप क्या करोगे सर्वप्रथम, देखिए अब एक में भरना चाहते हो एक में भर दीजिए, दो में करना चाहते हो दोनों, और तीनों में करना चाहोगे तीनों का भी ऑप्शन है। तो हम लोग तीनों को ही फिल करेंगे, ठीक है। लोड होने में कुछ टाइम लगेगा। और देखिए उसके अलावा और क्या कहा गया है इसमें, इसको देखिए पढ़ते हैं। क्या आप भारत में किसी सम्मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक का पाठ्यक्रम उत्कीर्ण कर ली है? तो हाँ, क्योंकि इसमें देखिए इसका एक ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए अर्थात स्नातक होना चाहिए। तो इसमें हम लोग सबमिट कर देंगे। कुछ टाइम वेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए इसमें पूर्णता डिटेल दिया हुआ है, देखिए जो आप पहले रजिस्ट्रेशन जो किए थे उसमें देखिए नाम देख लीजिए, फादर्स नेम मदर्स नेम, ठीक है, और फीमेल डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, और OBC नॉन क्रिमिनल। और मुख्यतः एक बात और है इसमें, देखिए क्या मुख्य है, इसमें जो व्यापम में आप फॉर्म फिल करोगे तो इसमें ₹1 भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ध्यानपूर्वक मोबाइल से आप भर सकते हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं होगी। देखिए अपना फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर, और एक बार इतने जितने भी डिटेल्स उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि एक बार इसमें पासवर्ड लॉक होने के बाद पूर्णता सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होगा, और चेंजेस के लिए डेट जो दिया है उसमें सिर्फ चेंज होगा। तो एक बार ध्यान से रख लीजिए कि ताकि इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। अच्छे से एक बार अपना एड्रेस जो भी है सबको देख लेना। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है,
एक मुख्यतः ये देखिए, इसमें दिया गया है एग्ज़ाम सिटी, जिस भी ज़िले से आप हो, ज़िले में जिस ज़िले में आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं उस ज़िले में उसका दिया हुआ है, उसको भरना है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम उसको भरते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिलासपुर से डालेंगे। ठीक है, तो ये अपना बिलासपुर हो गया। और एक और क्या गया है, देखिए, फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट डू यू नीड टू डिस्क्राइब, क्या आप सह लेखांकन की आवश्यकता है। अर्थात देखिए, जो फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, जो लिख नहीं पाता, उनके लिए एक असिस्टेंट होता है। ठीक है, क्या आप उसमें लेना चाहते हो, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहते, हम सेल्फ से करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंधित हैं, नहीं, आप नहीं हो तो नहीं डालना, अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो हाँ डालिएगा। इसके अलावा देखिए, इसमें घोषणा किया गया कि जितने भी मैंने डिटेल डाले हैं, ठीक है, जानकारी डाली है, वो पूर्णतः सही है, किसी भी प्रकार की अगर गलती होगी तो ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ये वाली बात आएगा। ठीक है, उसके अलावा कैप्चा डालना है इसमें, कैपिटल Y 4 Q X 7 और कैपिटल L। इसमें सबमिट में कर देते हैं। उसके बाद देखिए एक क्या आया है इसमें, इसमें व्यापम क्या कहता है, देखिए, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियां को ध्यानपूर्वक जांच ले, संशोधित कर ले एवं एक बार आवेदन जमा होने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधित का अवसर नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो हमने पूर्णता कर ली है, तो हम सीधा एक बार चेक तो कर लिए हम लोग डायरेक्टली, अब सबमिट कर देते हैं, कन्फर्म एंड सबमिट। देखिए हमारा कन्फर्म एंड सबमिट हो चुका है सक्सेसफुल। ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग लेगा और पूर्णता, ये देखिए ये हमारा डिटेल फिल हो चुका है। अब एक बात आता है, इसका डिटेल कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो इसका डिटेल डाउनलोड करने के लिए देखिए क्या बोला, सक्सेसफुल एप्लीकेशन, इसमें जाएंगे सक्सेसफुल एप्लीकेशन की, ये जो डिटेल दिया हुआ है इसमें देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ प्रिंट लिखा है, देखिए लास्ट में ग्रीन कलर में, ठीक है, ये प्रिंट लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करने हैं, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट करके रखना है, डाउनलोड करके रख लीजिए या प्रिंट करवा लीजिए और जाके किसी चॉइस सेंटर में इसको प्रिंट करा लीजिए। 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लेगा और ये मुख्यतः जरूरी है आपके लिए। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सब दिया हुआ है, जो जो डिटेल है सब। तो इसको जूम करिएगा और प्रिंट पे साइन इन कर लीजिएगा, तो इस प्रकार के इंटरफेस आएगा और PDF को डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हमारा पूर्णता, ये इस प्रकार से आपका जो भरना था वो हमने पूर्णतः भर चुके हैं। और इसी प्रकार की ध्यानपूर्वक आपको भी यह फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।